आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस शिल्पी गोयल, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं एंड फाउंडर ऑफ इंस्पायर वेलनेस फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में। थैंक यू रिया। शुरू करते हैं कि आप सबसे पहले तो हमारे जो सतना रेडियो के लिसनर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मेरा सबको गुड मॉर्निंग, और ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मेरी शादी सतना में हुई है और फाइनली हम रायपुर में सेटल्ड हैं, यहाँ मेरा काम है, लेकिन मेरे रूट जो है वो सतना से जुड़े हुए हैं। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप सतना से ही हैं, सतना से जुड़ी हुई हैं, आपके इन-लॉज सतना में ही रहते हैं, डाइटिशियन हैं एंड यू आर फाउंडर ऑफ इंस्पायर वेलनेस एज वेल। तो आपको पहले से न्यूट्रिशन या डाइटिशियन इन सब फील्ड्स में इंटरेस्ट था, डाइटिंग की फील्ड में, या आगे जाकर बिल्डअप हुआ आपका इंटरेस्ट? जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो एक सब्जेक्ट था न्यूट्रिशन हमारे बीएससी होम साइंस में, और मुझे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, और खास तौर पे मेरे जो दादाजी हैं वो डायबिटिक थे उस समय, और उनके डाइट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम डॉक्टर से पूछा करते थे। तो उस समय मेरे मन में ये आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये चीजें जान जाऊं और उनके शुगर को रिवर्स कर सकूं, वहां से इंटरेस्ट पैदा हुआ। लेकिन जब करियर चुनने की बात आई तो मुझे एक सब्जेक्ट में और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो था मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरी स्टेज पे बोलने की कला बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपने फादर से एक लंबा डिस्कशन किया, वो लगा, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे न्यूट्रिशन में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने इसी फील्ड को चुना और इसमें अपने मास्टर्स डिग्री ली बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से, और वाकई मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं बहुत पैशनेट हूँ एंड आई कीप लर्निंग एवरी डे इन दिस फील्ड। क्या बात है मैम, सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपका ये जो इंटरेस्ट है डाइटिशियन का, न्यूट्रिशन का, अगर इसी फील्ड में किसी को करियर बनाना हो तो व्हाट शुड बी द राइट पाथ? बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन हमारी एवरीडे लिविंग से जुड़ा हुआ है, बेसिक नेसेसिटी में आता है फूड, आप जानते हैं, और फूड का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये बात एकदम सही है कि यू आर व्हाट यू ईट, तो इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और हर डिसीज को रिवर्स करने के लिए उसके रूट्स पे अगर आपको काम करना है तो फूड एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और बहुत अपकमिंग है, आगे का फ्यूचर है, और इसमें अगर किसी को भी अपना करियर बनाना हो तो ये बहुत आसान है। आपको साइंस बैकग्राउंड में अपना 11th-12th करना होता है, उसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन जो है वो न्यूट्रिशन मेजर्स के साथ कर सकते हैं, जिसमें फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट न्यूट्रिशन का होता है, और फिर इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, मास्टर डिग्री होती है, जो फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में होती है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और इसके बाद आपकी इंटर्नशिप और पीएचडी आपके ऊपर है कि आप कहाँ से करते हैं। तो इस तरह से आप न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर सकते हैं डाइटिशियन का, और फिर अगर आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो फिर इसकी एग्जाम होती है, जिसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है, एक एग्जाम में अपियर होना पड़ता है, उसके बाद आप एक लाइसेंस होल्डर डाइटिशियन बन जाते हो, रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन जाते हो। क्या बात करते हैं, और अगला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि मैम, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसे हार्ड फेसेस आपकी लाइफ में जो आपने फेस किए? बिल्कुल, हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, और मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी चैलेंजेस आते हैं वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले आते हैं और आपके अंदर एक एक्सट्रीम बदलाव, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव डेवलपमेंट लाने के लिए होते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपकी लाइफ में ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते रहें। तो मेरी लाइफ में ये टर्न आया था जब मैंने क्लास 11th में, मेरे फादर ने डिसाइड किया कि मुझे राजकुमार कॉलेज रायपुर में एडमिशन दिलाएंगे, वो उनका चॉइस था, और मैं बहुत ही कंफर्टेबली अपने 10th वाली लाइफ को, मैं 10th में टॉपर थी और मैं अपने स्कूल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि मुझे 11th से राजकुमार कॉलेज रायपुर में आना है, जहां बोर्ड चेंज होने वाला है, सराउंडिंग चेंज होने वाली है, फ्रेंड्स चेंज होने वाले हैं, और सबसे टॉप ऑफ द थिंग वो कि मैं गर्ल्स स्कूल से मैं कोई एजुकेशन में आने वाली, तो कम्प्लीटली मेरा सारा कल्चर शॉक भी था मेरे लिए, बट देन इट मेड मी अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी, क्योंकि ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और आई थिंक 12th में ही मैं सेकंड टॉपर की लिस्ट में थी। उसके बाद ट्विस्ट नंबर 2 आया जब हमारी शादी के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड को स्लिप डिस्क हो गई है, एंड डॉक्टर एडवाइज हिम टू रिड्यूस 15 kg ऑफ वेट इमीडिएटली, और उस समय तक मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, ये शादी के कुछ ही दिनों के बाद की बात है, और उसके बाद उन्होंने मेरी मदद से अपने वजन को कम किया, और इसके साथ ही मेरे करियर की शुरुआत हुई वहां से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज को, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने खुद ही ऑफर किया कि आप हमारे दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको भी आप काउंसिल कीजिए, और उन्हीं के क्लिनिक से मेरे करियर की शुरुआत हुई, मैं उनके क्लिनिक में बैठना मैंने शुरू किया। दिस वॉज टर्न नंबर 2 ऑफ माई लाइफ।
क्या बात है मैम, मतलब आपने खुद अपने हस्बैंड को 15 केजीज लूज कराया, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ये जर्नी कंटिन्यू रही और आई रिमेम्बर कि टर्न नंबर 3 मेरी लाइफ का ये था, जब मेरी लाइफ वापस कंफर्ट जोन में चली गई थी और मैं हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी अपने रायपुर में और मैं काम कर रही थी। लेकिन एक दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा जो काम है वो ये है कि लोगों को बीमार पड़ने से बचाना, हॉस्पिटल जाने से उनको बचाना, तो मुझे अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। तो मैंने अपना इंस्पायर वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की एंड आई थिंक दिस वॉज माई टर्न नंबर 3 जब मैंने अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ा, वहां से बाहर आई और विथ लॉट्स ऑफ चैलेंज एंड उसके साथ मैंने एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को। एंड अगेन आई टोल्ड यू दैट हर चैलेंज आपके अंदर बहुत ही अच्छे बदलाव लाता है लाइफ में, काफी सारे कॉन्फिडेंस आपको देके जाता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपको देके जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई आपकी लाइफ में भी अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं जो आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहूँगी कि भाई जैसा कि शिल्पी जी ने कहा कि चैलेंजेस आना, टर्निंग पॉइंट्स आना बहुत नेचुरल है, तो आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं वो आपको मोटिवेट करने के लिए और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए आते हैं, तो बिल्कुल उन्हें फेस करिए और आप मोटिवेटेड रहिए। और आपको मोटिवेटेड रखने के लिए तो भाई हम आते हैं आप हमना शो लेके रूबरू, तो ऐसे ही सुनते रहिए और कुछ ही देर में हम वापस आएंगे फिर से। लेकिन अभी आप सुनिए कुछ गाने और हम बातचीत करेंगे हमारी गेस्ट शिल्पी जी से। तो सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैम आपने बताया कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए थे और काफ़ी हार्ड फेजेस रहे, बट स्टिल यू फेस देम एंड आपने काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट अपने अंदर देखा। तो मैम कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो आपकी लाइफ में रहा जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया कि भाई आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है? मैं अपने फादर को ऐसा पर्सन समझती हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। ही प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग ऑफ माई पर्सनैलिटी। मेरी पेरेंटिंग थी उसको तो मैं सैल्यूट करती हूँ और मैं हमेशा ये मांगती हूँ भगवान से कि काश ऐसी पेरेंटिंग मैं भी अपने बच्चों को दे सकूँ। उनकी जो सबसे स्पेशल बात ये थी कि वो हमें हमारे डिसीजन को चुनने का स्पेस देते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करते थे। और सबसे अच्छी बात जो थी कि वो हमारी कैपेबिलिटीज को हमसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे। मतलब मुझे उनकी वो कहना याद है कि वो हमेशा ही बोलते थे तुम लोग मेरे 24 कैरेट गोल्ड हो। तो ये जो उनका विश्वास था ना, ये हम उनसे दूर रहे बहुत साल, मैं 7 साल बाहर पढ़ी, लेकिन ये जो उनका विश्वास था ना, इसने मुझे कभी भी अपने फोकस से डेविएट नहीं होने दिया, हमेशा फोकस रहे, क्योंकि पापा का वो जो विश्वास की डोर थी वो हमेशा साथ थी। और लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में भी उनका बहुत सहयोग रहा। आई रियली मिस हिम अ लॉट। क्या बात है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भाई पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत मेजर रोल रहता है हमारी लाइफ में, इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि आप अपने पापा को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी सतना रेडियो के माध्यम से? बिल्कुल रिया, मैं उनको एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी कि चिट्ठी ना कोई संदेश कहां तुम चले गए। क्या बात है। तो भाई आपके पिताजी जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन भाई आपसे जुड़ा हुआ उनका रिश्ता है, तो हम सब यही आशा करते हैं कि वो आपसे ऐसे ही आपके मन में हमेशा रहेंगे, कि जहाँ भी आपके पापा हों, आपको देख रहे हों, कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, उनके संस्कारों पे आगे बढ़ती रहें। और अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आपने जो अपने पापा को गाना डेडिकेट किया है आपको सुना देते हैं, सतना रेडियो के माध्यम से आप सभी को सुना देते हैं और कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए। और मैम नेक्स्ट सवाल यही पूछना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं? मेरा ये मानना है कि अगर इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है अपनी लाइफ में जिसमें एक पर्पस जुड़ा हो या वो चीज उसको मोटिवेटेड और खुश रखती हो, इंटरनल उसको सेटिस्फेक्शन देती हो, तो वो हर अरीना हर एक फील्ड में अपना 100% दे पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रोफेशन मुझे एनर्जी देता है, जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। मैं अगर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस भी क्रिएट कर पाती हूँ लोगों की लाइफ में, इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती हूँ, तो वो चीज मुझे दिन भर के लिए बहुत मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रखती है। और इस एनर्जी का फायदा मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में मिल जाता है। जब मैं अपने बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ या अपने फैमिली मेंबर्स से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो टाइम की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बट क्वालिटी मैटर करती है। और वो क्वालिटी तब आती है जब आपके अंदर खुद में बहुत पैशन और एनर्जी हो, और वो तब आता है जब आप अपने एनर्जी सोर्स से जुड़े रहें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा है, टोटली अग्री कि भाई हमें हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो फिर चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हम दोनों में अपना बेस्ट दे सकेंगे। जो आपका स्टार्टअप है इंस्पायर वेलनेस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर मैं चंद शब्दों में कहूँ तो इंस्पायर वेलनेस का काम ये है कि लोगों को सही राह दिखाना, डाइट, लाइफ स्टाइल और माइंड सेट से जुड़ा और बेसिक एस्पेक्ट ऑफ योर वेलनेस जो आपकी वेलनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका न्यूट्रिशन या डाइट जो आप खाते हैं। सेकेंड इज योर मेंटल स्टेट, जैसा आप सोचते हैं
तीसरा है आप कैसा मूवमेंट करते हैं या एक्सरसाइज कैसी करते हैं, जितना हिलते डुलते हैं, और चौथा है आपकी स्लीप, कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है। तो इन चार एस्पेक्ट पे अगर हम काम कर लें तो हमें बीमारियों से बचने के लिए दवाइयां खाना नहीं पड़ेगा, हम उसे रूट से ट्रीट कर पाएंगे, जड़ से ट्रीट कर पाएंगे। और मैम बस सवालों का सिलसिला बढ़ाते हुए यही पूछना चाहूंगी कि आप सतना रेडियो के माध्यम से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूंगी रिया कि पहला सब निरोगी काया है और लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप चाहे लाइफ में कितना भी प्रोफेशनली आगे बढ़ जाएं लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है तो आप लाइफ में बहुत सारे एंजॉयमेंट से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए एंड टेक राइट स्टेप्स एट राइट टाइम बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम, ये ऐसी चीज है, अगर ये एक बार ये डैमेज होती है ना तो इसको रिवर्स लाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, फिट रहिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी थिंकिंग रखिए। क्या बात है। तो भाई आप लोगों ने भी सुना ना कि हमें बिल्कुल भी जो हम कर देते हैं कि कुछ भी खा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है। क्योंकि भाई मैम शिल्पी जी का मोटिव यही है कि हमें दवाइयों से दूर रखना है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि भाई हमारे जीवन में दवाइयां हों ही ना, बिना दवाइयों के ही हम बिल्कुल फिट रहें, हमें दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। और शिल्पी जी के साथ और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए शुरू होगा हमारा सेगमेंट जिसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे शिल्पी जी से, जो आपको बताएंगी न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में और प्रॉपर वेलनेस के बारे में कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं बिना दवाइयों के, फिर चाहे आपको डायबिटीज हो, लिवर की कोई प्रॉब्लम हो या फिर ब्लड प्रेशर क्यों ना हो। और ये भी बताना चाहूंगी कि शिल्पी जी को आप कहां ढूंढ सकते हैं भाई, सोशल मीडिया पे यार, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और शिल्पी जी का जो डाइटिशियन है और रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, आप वहां पे भी शिल्पी जी को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके, आशा करती हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो हमें व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि सतना रेडियो आपसे जुड़ा हुआ है थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।